हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी, आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको, हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी, आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको।